भाजपा के सदस्यता अभियान के तहत चंबा में भाजपा की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष व हिमाचल सदस्यता अभियान के सह प्रमुख राजीव भारद्वाज ने की। बैठक में लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिले बहुमत पर कार्यकर्ता द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की और भाजपा द्वारा चलाए गए सदस्यता अभियान को सफलतापूर्वक चलाने के लिए पूर्ण तत्परता से कार्य करने की भी अपील की गई। जिला भाजपा की बैठक की अध्यक्षता करने भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष और सदस्यता अभियान हिमाचल के सह प्रमुख राजीव भारद्वाज वीरवार को चंबा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाजपा के सदस्यता अभियान को सफल बनाने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं से चर्चा की। पत्रकारों को संबोधित करते हुए राजीव भारद्वाज ने कहा कि इस सदस्यता अभियान के तहत 6 जुलाई से 10 अगस्त तक अभियान चलाया जा रहा है और इसमें हर मंडल में 20% अधिक सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा जिस पर मिस्ड कॉल कर लोग भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर पाएंगे। इस बार जिला चंबा पूरा प्रदेश की जनता ने पार्टी लाइन तोड़कर मोदी जी के लिए वोट दिया था, मोदी जी की नीतियों को अपना समर्थन दिया। जो मोदी जी की नीति थी कि विकास की धारा को गांव और गरीब की झोंपड़ी तक लेकर जाना, और ये जो उनकी नीति थी इसको उन्होंने सार्थक किया अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में। उसके लिए इस प्रदेश की जनता ने पार्टी की बंधन तोड़कर मोदी जी के लिए वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट दिया, और उसका जीता जाता जागता उदाहरण जो है वो कांगड़ा पार्लियामेंट्री है। कांगड़ा पार्लियामेंट्री में आदरणीय किशन कपूर जी करीब करीब 2.5 लाख मतों से जीतकर दिल्ली गए हैं, और यदि उनकी मत प्रतिशत देखें तो कांगड़ा पार्लियामेंट्री 72% कांगड़ा पार्लियामेंट्री की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के लिए, मोदी जी के लिए और किशन कपूर जी के लिए वोट दिया है, जो पूरे देश में नंबर 1 कंस्टिट्यूएंसी होकर उभरी है। सिटी चैनल के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट।